सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स के बारे में। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि आई ड्रॉप्स को यूज़ करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते समय किसी ने इसका इस्तेमाल करना आप मिस कर जाए तो अगले दिन इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, और आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज में दिए जाने वाले आई ड्रॉप्स इतने यूजफुल क्यों है, और ऑप्थाल्मिक डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप पर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे पास 10 ml का बॉटल है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी 102 यानी कि 102 रुपए करीब इसकी एमआरपी है। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स को सनवेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे ऑप्थाल्मिक प्रोडक्ट भी बनाती है। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है मॉक्सीफ्लोक्सासिन, हाइड्रोक्लोरिस एंड डेक्सामेथासोन फॉस्फेट्स आई ड्रॉप्स। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो इसके अंदर जो मॉक्सीफ्लोक्सासिन है वो 0.5% वेट बाय वॉल्यूम प्लस डेक्सामेथासोन 0.1% वेट बाय वॉल्यूम इसके अंदर डाले गए हैं। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आंखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए या आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में जैसे कि कंजेक्टिवाइटिस या गुलाबी आंख के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और आंखों में दर्द, सूजन, लालपन, खुजली या जलन से राहत देने में मदद करता है। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन और आंखों की सूजन यानी कि स्वेलिंग के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स के अंदर दो दवाई रहती है यानी कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन की एक एंटीबायोटिक्स दवाई है जो बैक्टीरिया को कोशिकाओं के विभाजित होने और मरम्मत करने से रोककर उन्हें खत्म करता है या आपकी आंखों का इन्फेक्शन का इलाज करता है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड दवाई है जो कुछ केमिकल मैसेंजर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिंस जो कि आंखों के लाल और आंखों में सूजन और खुजली करते हैं। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते समय क्या का प्रिकॉशन रखना चाहिए, संदूषण से बचने के लिए किसी भी सतह या टिप को न छुए, डोलेशन से बचने के लिए अगली दवा डालने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक वेट करें, जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक न हो जाए तब तक कॉन्टेक्ट लेंस न पहने और बोतल को खोलने के एक सप्ताह के भीतर इसका इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स को खोल दिए यानी कि बोतल को खोल दिए तो 1 वीक के अंदर इसका इस्तेमाल करना नेसेसरी है। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या फिर आप ऑप्थाल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। ओक्यूकॉम आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थाल्मिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।